तो ई सैलरी के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लोन की एंट्री किस तरह से की जाती है, इस वीडियो में मैं इस बारे में बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले ई बिलिंग के, ई सैलरी के जो आपका एम्प्लॉई वाला कोड है, इसके कोड के आपने इस ऑप्शन पे आना है, ऐड एडिट लोन डिटेल। इस ऑप्शन के ऊपर आने के बाद हमें इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करना है जिसके लोन की एंट्री हमने करनी है। तो यहाँ से मैंने कुलविंदर कौर को सेलेक्ट कर लिया है। ई सैलरी की और वीडियो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं आप। तो वहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे लोन डिटेल सेलेक्ट करनी है। ये वो लोन है जो इसने ऑलरेडी ले रखे हैं, इसमें जितने भी लोन शो हो रहे हैं ये ले चुका है एम्प्लॉई। आपको नए लोन की एंट्री यहां से करनी है, ऐड न्यू एडवांस इंटरेस्ट और लोन, यहां से लोन की एंट्री होगी। और नीचे जो ऐड पीएनबी लोन इंटरेस्ट है, यहां से कोई भी लोन एडवांस है उसका इंटरेस्ट पे करते हैं। तो लोन की डिटेल की एंट्री के लिए ऐड न्यू एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे। वहां पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कौन सा एडवांस है। तो ये सारे एडवांस की लिस्ट यहाँ पे आ रही है। देखिए पहला एडवांस है कंप्यूटर एडवांस, साइकिल एडवांस, फेस्टिवल, जीपीएफ, हाउस लोन, कार लोन, मैरिज लोन या कोई रिकवरी है। तो यहाँ पे रिकवरी की करेंगे, रिकवरी की अलग से मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें बताऊंगा। तो यहाँ पे बाई कार जो भी एडवांस लेते हैं, तो यहाँ पे मैं जीपीएफ एडवांस की एंट्री करता हूं। तो यहां पे आपको क्या डालना है, सेंक्शन नंबर, जो भी उसका सेंक्शन नंबर होगा वो सेंक्शन नंबर डालें। सेंक्शन की डेट आएगी यहां पे, जैसे जिस डेट में लोन सेंक्शन हुआ है वो डेट डालें। यहां पे जो उसका नंबर होगा वो सेंक्शन नंबर डालें। यहां पे डेट ऑफ विड्रॉल, कब एम्प्लॉय को विड्रॉल हुआ वो डेट डाल दें यहाँ पे। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल में काटनी है या मई में, जब भी इंस्टॉलमेंट कटनी है तो वो डालें। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप ग्रोस अमाउंट लोन एडवांस इंटरेस्ट, यहाँ पे देखिए ग्रोस अमाउंट ऑफ लोन, टोटल जितने अमाउंट का लोन है वो यहाँ पे आपने डालना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये डाल दिया, मैंने 10 लाख का लोन है एडवांस का। तो ये ऑटोमेटिकली किस्तें कर लेगा। इंस्टॉलमेंट अमाउंट आप मैक्सिमम 100 इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 100 ही कर रहा हूं। जैसे ही 100 करूंगा ये बाकी फिल ऑटोमेटिक हो जाएंगे। देखिए 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट बनी है, 100 इंस्टॉलमेंट है तो 10 लाख पूरा हो जाएगा हमारा। अब जैसे जैसे कटती जाएंगी इनकी एंट्री यहाँ पे कम होती जाएगी, 100 है फिर 99 रह जाएंगे, 98, ऐसे डिडक्शन कम होता चला जाएगा। तो यहाँ से हम सेव एडवांस कर देंगे तो ये डाटा है जो सेव हो जाएगा। और इसको चेकर से वेरीफाई कर देंगे, ई सैलरी के चेकर से, ये मेकर ओपन है। तो इस तरह से आप लोन की एंट्री कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय की। और इंटरेस्ट का इसके साथ ही बता देता हूं मैं, यहां से इसको कैंसिल करेंगे, वही ऐड एडिट लोन डिटेल पे जाएंगे, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जहां पे हमने एडवांस की एंट्री करी थी उसके नीचे इंटरेस्ट है वहां पे इंटरेस्ट डाल देंगे। जब लोन आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री करके आप जो है इंटरेस्ट भी ट्रेजरी से कटवा सकते हैं। तो अभी साइट स्लो है तो उसी के नीचे वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, वहां से एडिट कर देना है। थैंक यू।